और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ डीएम ऑफिस में बागेश्वर, चलते हैं अंदर मिलते हैं एक बार, क्या परमिशन मिलती है देखते हैं। हम खाने के लिए आया इस रेस्टोरेंट में, इन्होंने बोला कि खाने के लिए कुछ है नहीं, पर हमको मिल गए हमारे कुछ भाईजान जो हमको जानते थे, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है लंच पे। देखो जूते, ये देखो भैया, सब गीला हो चुका हूँ, वहाँ से मेरी हालत हो गई है, इवन मेरा बैग भी पूरा गीला हो चुका है। देखो ये दोस्तों, अभी मैं हूँ गरुड़ में और कुछ पार्सल जो मेरा एक हफ्ते से रुका था वो ये आ चुका है फाइनली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है 25 तारीख, मैं जा रहा हूँ अपने घर से निकल के हल्द्वानी की तरफ। तो हल्द्वानी की जाने से पहले रास्ते में मुझे दो काम और हैं, तो सबसे पहले अभी मैं अपने घर से जाऊँगा बागेश्वर की तरफ जो है 20 किलोमीटर। बागेश्वर में एक्चुअली मुझे जाना है RTO ऑफिस, क्योंकि मुझे वहाँ पर लाइसेंस बनाना है, ठीक, परमानेंट लाइसेंस। उसके बाद उससे पहले मुझे जाना है मिलने DM ऑफिस में, DM मैम से, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में एक इवेंट प्लान कर रहा हूँ जो आपको मैं अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँगा कि मुझे यहाँ पे एक साइकिल रेस MTB कोसानी करके इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद यहाँ पे हमारा जो टूरिज्म था बहुत हिट हुआ था, तो टूरिस्ट कम आ रहे हैं। साथ ही में मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ अपने रीजन में, और टूरिस्ट को भी यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। तो इसीलिए MTB कोसानी मेरा एक विजन है यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ अप्रूवल लेटर लेके, अप्रूवल लेने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ रोड में, ये मेरी स्कूटर खड़ी है, एक्चुअली ये रोड में ही रहती है क्योंकि मेरे पास अपना पार्किंग नहीं है, तो ये खड़ी करनी पड़ती है। और सामने है देवनाय का बोर्ड, देख रहे हो आप, गाड़ी रेडी करता हूँ फिर निकलता हूँ फटाफट। और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ DM ऑफिस में बागेश्वर, चलते हैं अंदर मिलते हैं एक बार, क्या परमिशन मिलती है देखते हैं। और दोस्तों फाइनली एक घंटे के वेट करने के बाद मैडम से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि अप्रूवल हम दे देंगे, बस आप जो उसका जो धनराशि जितने भी हमको अमाउंट चाहिए 3 लाख 3.5 लाख का जो अमाउंट चाहिए आप अपने एंड से ट्राई करो, उसके बाद जो बचेगा हम वो करेंगे। तो आप मुझे प्रमोशन करने हैं, स्पॉन्सर जुड़ने हैं मेन, बस आगे का काम बाद में होगा। अभी मैं निकलूँगा RTO की तरफ, RTO का जल्दी करके फिर हल्द्वानी निकलूँगा मैं। दोस्तों पहुँच चुका हूँ RTO ऑफिस बागेश्वर, यहाँ पे आप अप्लाई करना है मुझे अपने लाइसेंस के लिए। सामने हैं हमारे कुछ दोस्त लोग जो यहाँ पे अभी हेल्प कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, ताकि ज़्यादा डिले ना हो। और दोस्तों फॉर्म वगैरह सब कुछ हो चुका है डन, मुझे बस ज़रा वेट करना है, ज़रा कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के बाद मैं निकलूँगा। 3 ऑलरेडी बच चुके हैं, पता नहीं मैं कब पहुँचूँगा हल्द्वानी, और मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ ये ताकुला वाला रोड, पता नहीं मैं कब तक पहुँचूँगा, शायद मुझे आज लेट हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, शायद मैं क्या पता नैनीताल भी रुक सकता हूँ, देखो क्या होता है। अभी 5-10 मिनट काम और है फिर निकलने के तैयार हैं हम। दोस्तों मैं निकल गया हूँ RTO ऑफिस से, एक्चुअली पेपर वगैरह सब कुछ मैंने सबमिट कर दिए, तो हमारे बहुत हेल्प की मल्ला जी ने, और 3:30 ऑलरेडी टाइम हो चुका है, लेट हो चुकी है मुझे पता है, पर फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं घर में खड़े जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आज दोनों मेरे काम निपट गए हैं, अब वेट है मुझे बस प्रपोजल का, और बस सब शादी में जाऊँगा, इन्जॉय करूँगा। अब मुझे टाइम लगेगा, अराउंड शाम को हो जाएगी या रात हो जाएगी, दोस्तों अल्मोड़ा के रास्ते में हूँ, खाने के लिए रुका था क्योंकि मैंने सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया था। हम खाने के लिए आया इस रेस्टोरेंट में, इन्होंने बोला कि खाने के लिए कुछ है नहीं, पर हमको मिल गए हमारे कुछ भाईजान जो हमको जानते थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है लंच पे। पहाड़ी चिकन बनाया है। अरे थैंक यू वेरी मच, सैलेड ले क्या यार, थैंक यू दाजी इनवाइट करने के लिए, चैनल वगैरह पूरा सच है। अच्छा देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, तभी हमने फोटो देखे हैं आके एकदम फॉलो। अरे केन्या में उनसे मिले थे ना, मैं तंजानिया में क्लिप बॉल से मिला था, बिल्कुल जो आप विदेश के इंडियन रेस्टोरेंट में खाते हैं वो देखा है आपकी। बस दाजी बस यही अपना, क्योंकि अपनापन लगता है ना, बस अपना यही वो है कि अपने गांव का नाम देश का नाम आगे करना है, बस यही बात, मेहनत करते रहो बस। बिल्कुल दाजी बिल्कुल। अरे पापा चलो चलो कर रहा है, पानी की बोतल दे दो। चलो ठीक दोस्तों, पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह से बस ब्रेकफास्ट किया है, और अभी एक्चुअली मैं भी जाना चाहिए हल्द्वानी, तेरे हल्द्वानी मैं काम पड़ गई इतनी RTO में, तो टाइम लग गया, अभी तो टाइम है, टाइम है। हमने आपको पहचान लिया, वैसे ही पहचान लिया। अरे अरे तो आज आपने ये पहाड़ी चिकन बड़ा रहा, क्या बात है, एक ही पीस बचा था। अरे कोई दिक्कत ना जी, आपके लिए कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत ना जी, खाने में लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल लिखा है खाने वाले का ना। चलो खाने वाओ। और दोस्तों लंच होने के बाद अब निकल रहा हूँ आगे को, थैंक यू वेरी मच आप लोग सभी का इन्वाइट करने के लिए और इतने अच्छे लंच के लिए, थैंक यू। दोस्तों अल्मोड़ा क्रॉस करके कोसी नदी के साथ साथ मैं पहुँच चुका हूँ खैरना,
अभी यहाँ से आगे हल्द्वानी पहुँचने तक मुझे 2 घंटा लगेगा, और अगर नैनीताल जाऊँगा तो 1 घंटा लगेगा। स्कूटी बिल्कुल सही चल रही है और बॉडी थक चुकी है मेरी आज, पर कोई टेंशन नहीं, चल देंगे आगे को। ओहो, हेलो दोस्तों, 10 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं हल्द्वानी। एक्चुअली मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया था, साथ में मेरे हैं ये जोरा भाई। मैं अपनी लफंडर यार से बात कर रहा हूं, सॉरी। एक्चुअली मैं आज जोरा भाई के यहाँ रुका हूं, अभी मैं हूं ये देवल चौड़ में और जोरा भाई का घर यहीं पास में ही है। तो एक्चुअली लेट हो गई थी आते आते, तो हमने खाना ना खाया और अभी बस जा रहा हूं उसके भाई घर, वहीं रहूंगा आज टेंट लगा के। फिर कल मिलते हैं, आज का ब्लॉग बस इतना ही थे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस एक दो काम बहुत अच्छे मेरे हुए, डीएम मैडम से मिल गया, और उसके अलावा मेरा लाइसेंस बन चुका है फाइनली। मुझे कॉल आया कि लाइसेंस बन चुका है, तो लाइसेंस बहुत जल्दी मिल जाएगा मुझे और एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो जल्दी मिलते हैं, आई होप मुझे अप्रूवल मिल जाए और हमारा MTP का कहानी अच्छे सक्सेसफुल हो जाए। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, अब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रदीप राणा, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं हूँ हल्द्वानी में और कल रात में रुका था जोरा भाई के घर में। जोरा भाई यहाँ देख लो। हेलो दोस्तों, और ये हमारे अम्मा है, ये मेरी स्कूटर है, रेडी हो रही है निकलने के लिए। आज पानी में कहाँ जाऊँगा, अभी सुबह के बजे 9, भाई अपने जॉब में जा रहे हैं तो मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से अपने दूसरे भाई जी के वहाँ रहने वाला हूँ, हमारे गोपालू भैया यहाँ पे, उनके घर जा रहा हूँ अभी। गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गोपालू भाई के पास, ये हमारे गोपालू भाई का घर, और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है। ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं रोटी और सब्जी, बिल्कुल सादा सात्विक भोजन। दोस्तों स्कूटी हो चुकी है रेडी, घर जाने को हम हैं तैयार। हल्द्वानी में अच्छे से शादी वगैरह सब निपट गई थी, सब कुछ हो गया था, मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं हर जगह कैमरा लेके जाना नहीं चाहता था, अपनी लाइफ भी इंजॉय करना चाहता था। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, आज हो गए हैं तुम्हारे 29 तारीख, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे अपने कॉल्ड स्पोर्ट का वीडियो रेडी करके देनी है, उसके अलावा मुझे अपने जो DM मैडम को लेटर दिया है वो भी देख के आना है, उसके अलावा अपना DL भी मेरा आ चुका वो भी लेना है। तो घर चलते हैं, काम करते हैं, अभी बजे हैं 9 और मैं पहुँच जाऊँगा 12-1-2 बजे तक घर। दोस्तों हल्द्वानी से निकला मैं और अभी भवाली के रास्ते में हूँ, तो रास्ते में ये मेरी स्कूटर है, दोस्त मिल गए हमारे एक भाई जी। जी नमस्ते। इनका ये देख सकते हो, पहले तो ओडिशा टू केदारनाथ टू लद्दाख, तो ओडिशा से पहले केदारनाथ जा रहे हैं फिर लद्दाख जाएंगे। सुनील कुमार तांती जी, आपने बारे में बताइए कुछ और। जी जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरा आप सभी से प्रणाम है। दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार तांती, वैसे मैं ओडिशा से हूँ, अभी ओडिशा से केदारनाथ का मैं टूर कर रहा हूँ, अभी और कुछ दिन मैं पहुँच जाऊँगा। अभी इधर से जो डिस्टेंस रह गया 300 किलोमीटर का, अभी फिलहाल अभी भवाली में रुकेंगे शायद, और भैया से मिलकर बहुत खुशी हुई, तो थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा। तो सबसे मेन बात जो मुझे अच्छा लगा, ये जो बाइक यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हरकुलिस की, एटलस है, हरकुलिस का भैया। अच्छा एटलस नहीं है, नहीं। पर पहले जाने में एटलस ही ऐसा आता था, तो उसको हम एटलस के नाम से जानते हैं, पर ये हरकुलिस का है। तो ये नॉन गियर साइकिल, देखो इसमें गियर नहीं है, तो इस चढ़ाई में आपको जैसे जो भी लोग यहाँ के लोकल होंगे उनको पता है नैनीताल की चढ़ाई कैसी है, भवाली की चढ़ाई कैसे एकदम खड़ी है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो भाई बिल्कुल नॉन गियर से कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि लोग अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, मतलब अपने अभी जो भाई आप कितने साल के हैं। जी मैं 24 का हूँ, 24 के लगा मेरे साथ के ही हैं, तो मतलब इस एज में आप पुश कर सकते हैं, आपकी बॉडी में जान होती है, तो बड़ा अच्छा लगा इनको ऐसे देख के। और ये इनका सेटअप है, इनका मैट्रिस है, और इसमें क्या है आपका, इसके अंदर कुछ मेडिसिन है, पावर बैंक वगैरह है, वायर वगैरह है, लाइट्स हैं। इसके अंदर स्लीपिंग बैग है, साथ ही कपड़ा कुछ है। अच्छा स्लीपिंग बैग और कुछ कपड़ा, बहुत अच्छी बात है। आपके पास पंप भी है, कोई अगर मतलब पंचा हो गया तो उसको रिपेयर करने में, अरे बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और इसमें टेंट है आपका। हाँ ये टेंट है, इसको भी इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादातर इसको इस्तेमाल करता रुकने के लिए। वाह बहुत अच्छी बात है, मेरे पास देख रहे हो आप, इसमें भी टेंट है, स्लीपिंग बैग है, मैट्रेस है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, अच्छी बात है। और ये आपका हमारा झंडा भारत का फ्लैग, जय हिंद भैया। और ये आपका उसमें कुछ खाने का सामान है। हाँ जी, इसमें आपका पूरा वो होगा कुछ, पावर बैंक वगैरह, फिर आपका कुछ सामान वामान, और पानी पकड़ा हूँ खाने का चीज कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस भले आपका आशीर्वाद है जो इतना ताकत मुझे मिल रहा है, इतना चढ़ाई वाली रास्ते में साइकिल पुश करके जाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है ना उससे मुझे हिम्मत मिली। चलो बहुत अच्छी बात है, वाली कोई बात नहीं हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लोग जैसे कि आप मेरे से मिले तो मोटिवेशन मिलती है। अच्छी
बात है, देखो अभी हम यंग है तो अभी हम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं, जो आप आपका ड्रीम आपको पुश कर सकते हो। या 30 की हो जाओगे उसके बाद तो कहाँ ताकत होती है ना, है कि नहीं है? उसके बाद तो फिर शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वे होता है। तो अभी क्या फ्री हो, फ्री माइंड हो, जितना आप पुश कर सकते हो कर सकते हो। तो अच्छा लगा आपका सेटअप देख के मुझे, और आप इतना कर रहे हो, आई होप आपकी जर्नी अच्छी रहे। और अभी जाएंगे यहाँ से अल्मोड़ा होते हुए, गरुड़ होते हुए, ग्वालदम होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए, देवप्रयाग होते हुए सीधा ऊपर को गुप्तकाशी की तरफ। तो जो भी लोग इनसे रास्ते में दिखेंगे हमारे तांती भाई को, तो इनको सपोर्ट करना और एक स्टे के लिए इनको पक्का इनवाइट करना, ऐसी ऐसी साइकिल वालों को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। चलो आपकी जर्नी अच्छी से पूरी हो, और मैं भी अभी निकलूंगा यहाँ से आगे की तरफ अपनी जर्नी अपने घर की तरफ। अच्छा लगा भाई से मिलकर मुझे बहुत। और दोस्तों घर के रास्ते में छोटा सा ब्रेक, लोधिया ये रानीखेत से पहले पड़ता है, तो भूख लगी थी सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैं अभी रुका हूँ आलू के पराठे खाने के लिए। बहुत ही अच्छी लोकेशन में ये रेस्टोरेंट है, देखो। दोस्तों ऐसी लोकेशन में खाने में अलग ही मजा आते हैं, सामने इतना मस्त व्यू। हल्दानी साइड को बहुत गर्मी चल रही है और यहाँ पे क्या बढ़िया सी हवा चल रही है, तो ऐसे में तो मज़ा आता है मुझे। मुझे हमेशा रूफ टॉप खाना ज़्यादा पसंद लगता है ओपन हवा में, बंद में मुझे मज़े नहीं आते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद हम निकलते हैं घर को सीधा, फटाफट घर पहुँचना है मुझे। आज कुछ डॉक्यूमेंट्स वीडियो रेडी करनी है जो मुझे कल देनी है, आज देनी है कल स्पोर्ट को, और बहुत सारे काम हैं, तो निकलते हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं गरुड़ के पास, और मुझे मिल चुके हैं रास्ते में हमारे जो राइडर्स गए थे केदारनाथ की तरफ, सब वापस आ चुके हैं सभी लोग, अभी बस बैठ के आराम आराम कर रहे हैं। और मोहन दा कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप बहुत मस्त रहा। तो आज इनके पास कितने दिन हो गए अपन निकले हुए आते हुए? आज यार हमें कितने दिन हो गए, मैं 4-5 वो भी 8-10 दिन तो 8-10 दिन हो गए इनको आए हुए। तो अभी इनके यहाँ छोटी सी बातचीत चल रही है, फिर निकलेंगे अल्मोड़ा की तरफ और मैं निकलूंगा घर की तरफ। और मौसम पूरा पहाड़ का जो अलग ही चल रहा है, हल्द्वानी में अलग ही गर्मी हो रही है, यहाँ का अलग ही देखो मौसम। और फोरकास्ट के अकॉर्डिंग 1 तारीख से 22 से 6 तारीख तक शायद हो सकती है। तो और दोस्तों अभी मैं हूँ गरुड़ में, और कुछ पार्सल जो मेरा एक हफ्ते से रुका था वो ये आ चुका फाइनली फेडएक्स की तरफ से, यूट्यूब की तरफ से। घर जाके दिखाऊंगा इसमें क्या है, आपको आइडिया तो आई क्या होगा। तो अभी 22 भी शुरू होने के, देखो अभी टैक्सी स्टैंड में हूँ, 22 शुरू हो चुकी है। तो अभी चलते हैं, फिर आपको बाद में दिखाते हैं इसके अनबॉक्सिंग। दोस्तों घर के रास्ते में हो गई है बारिश, ओले पड़ने लगे, देखो ओले डाव पड़ने लगे हैं। अभी मेरा घर अभी 3-4 किलोमीटर दूर है, पर दिक्कत हो रही है, तो अभी मैं रुक गया हूँ पेड़ के नीचे। देखो इस पेड़ ने इतना घना पेड़ है कि इसने पूरी बारिश बचा रखी है भाई, तो पेड़ लगाना तभी जरूरी है भाई, छाव में भी बारिश में भी हर एक चीज़ में भी आपको पेड़ बचाता है, तो कितना कितना सही है। देखो धूप में भी छाव हर चीज़ के लिए आपको काम का है पेड़। और अभी देखो मेरा ये आया था बॉक्स, वो कहीं भीग उग ना जाए, किस्मत भी ऐसी है देखो एंकर की, पर ठीक है मौसम बढ़िया हो रहा है। इतने मोटे मोटे डाव गिर रहे भाई, आज तो क्या हो गए देख रहे हो, लग रहा बर्फ पड़ने वाली खतरनाक, ये मोटे मोटे ये भैया। हाँ दोस्तों बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस रहा मेरा आज तक का, पूरा गीला हो चुका हूँ भाई पूरा, ये देखो जूते, ये देखो भैया सब गीला हो चुका हूँ, आज तो मेरी हालत हो गई है, इवन मेरा बैग भी पूरा गीला हो चुका है। देखो ये देखो भाई अंदर सामान पूरा गीला, टेंट स्लीपिंग बैग मैट्रेस सब गीला हो चुका है। और गाड़ी की हालत देखो भाई, ये फूल पत्ते गिरे हैं इसमें, ये देखो नीचे मैं अभी कांप रहा हूँ, आज बहुत ठंडा हो गया वहाँ कसम से, क्या करूँ ये बारिश में ऐसा है ना, जब बारिश होती है तो खतरनाक ही होती है और नहीं होती बिल्कुल भी नहीं होती है पूरा देखो। और हमारे भी गेहूँ लगे हैं, अब ये जो ओले पड़े हैं पूरे गेहूं को तबाह कर देंगे, हमारी फसल ज़्यादा पूरी खराब हो जाएगी। और सबसे अलग बात, ये मेरा YouTube प्ले बटन मैं पूरा गीला हो गया पूरा मेरा, ऐसे अनबॉक्सिंग होगी मेरी, सबसे गंदी अनबॉक्सिंग मेरी होगी। हे भगवान ये देखो सब पड़ा है हमारा YouTube प्ले बटन, कैसे चलेगा काम। अभी मेरा घर यहाँ से भी 10 मिनट और दूर है, भगवान कैसे जाऊँगा मैं, आज तो हालत खराब होगी वहाँ कसम। हे भगवान पुदीना आप कहीं चले गए, हम सब गीला हो गया अंदर बाहर, सब गीला। दोस्तों फाइनली अभी घर पहुंच गया हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए पूरे, बहुत ठंडा हो गया था मुझे। और अभी एक्चुअली अपने देखो पूरे सामान मैंने बाहर निकाल दिया, सब कुछ गीला हो गया मेरा, स्लीपिंग बैग वगैरह पूरा गीला हो गया। और देखो कैसा हो गया, पूरा गंदा हो गया। अरे भैया जब स्लीपिंग बैग गीला होता है, गीला होता ना, देखो इसमें सब चीज़ अंदर काले हो जाते हैं, ये बहुत गंदा लगता है मुझे, क्या है। और अब सूखेगा तो सही हो जाएगा, और मेरा ये
ये भी गीला हो गया, अंदर का लाइनर टेंट सब कुछ गीला हो गया, ये बैग पूरा गीला है, सब कुछ कपड़े गीले। तो दोस्तों अब मुझे एक फ्रॉड काम है कि मुझे बनाना है मेरा रील, एक्चुअली जो कल्ट स्पोर्ट उनका मेगा सेल चल रहा है तो 26 से 30 तक जिसमें 40-70% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो मुझे आज रील बना के देनी है। तो मैं फटाफट साइकिल ले जाके रील बनाता हूँ। पर एक्चुअली बाहर बहुत हवा चल रही है, आप देख रहे हो कि बाहर ये हवा भी चल रही है और पानी भी हल्ला कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे कोई लोकेशन नहीं, आप वीडियो बना पाऊँ फटाफट और वीडियो भेज पाऊँ, नहीं तो अगर रात होगी तो फिर मैं बना नहीं पाऊँगा, और आज कल लास्ट डेट है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो में जिसमें मैं करने वाला हूँ अपने YouTube प्ले बटन की अनबॉक्सिंग और कुछ और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगा तो कमेंट वगैरह करना, और जाते जाते एक लाइक तो कर ही देना। थैंक यू वेरी मच।